बिस्मिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज की वीडियो है खसूसी तौर पर माह रमज़ान के हवाले से। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो भी इसी महीने के रिलेटेड है कि माह रमज़ान में रोज़ों की वजह से जो नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए हम अपने दुआ खाना में एक माजून तैयार करते हैं जो कि ताकत के लिए इंतहाई बेहतरीन है और रोज़ों की वजह से होने वाली कमज़ोरी को दूर करती है। आज उसका नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। नुस्खा नोट फरमा लें। आपने लेना है मुरब्बा हरीड 100 ग्राम और मुरब्बा आमला 100 ग्राम, बादाम गिरी बादाम 100 ग्राम और ज़ाफ़रान ईरानी 10 ग्राम, अजवा खजूर 100 ग्राम और इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर शहद खालस 300 ग्राम इसमें मिक्स कर लें। इंतहाई बेहतरीन मजून तैयार हो जाती है ताकत के लिए। और इसके सुबह और शाम इसको आधा आधा चम्मच अमरा दूध इस्तेमाल करें। रोज़ों की वजह से जो नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए इंतहाई बेहतरीन है। जिस्म के अंदर जो आपके वैसे भी कमज़ोरी है उसको भी दूर करेगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।